बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व तमाम सामईन कराम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाह की मदद को शामिल हाल करते हैं। अब्बिशाहली सदरी व यस्सिरली अमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेहद इसरार पर रमूज़े औक़ाफ़ का उन्वान आ चुना है। इसमें हम तफसीलिया कोसेन सकता खत्मा खत वक्फा सवालिया वावेन राबता फुजाइया निदाइया और अलामत शायरी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। रमूज़ औकाफ़, रम्स की जमा है। इसका मतलब है इशारा या इलामत। औकाफ़ वक्फ़ की जमा है और वक्फ़ की के माने हैं ठहरना या रुकना। सबसे पहले सकता कौमा भी कहा जाता है इसको, थोड़ी देर के लिए रुकना, बहुत ही कम ठहराव, छोटा ठहराव किराता है ये सकता। जैसे कुरान में भी है कल्ला बल गौना, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करना, पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। इसके इस्तेमाल से इबारत की वजाहत बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। सकता के इस्तेमाल की एक सूरत की वजाहत हो चुकी कि मफहूम को जिस तरह समझाना मकसूद है उस तरीके से ये इलामत लगाएं, जैसे कि रोको मत आने दो, यहाँ पे सख्ता लगाया गया, और रोको मत अगर सख्ता यहाँ पे लगाया जाए आने दो तो माना तब्दील हो गया। रोको मत आने दो यानी कि उसको ना आने दो अंदर, रोको मत आने दो यानी कि यहाँ पे आने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को इस इलामत से अलग अलग करते हैं। तारीखी मकामात के नामों को अलग अलग करने के लिए, पेमाइश को गठा बयान करते हुए अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह किताब 8 इंच लंबी, 6 इंच चौड़ी और 2 इंच मोटी है। बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और अजायब घर तारीखी मकामात हैं। ए माओ बहनों बेटियों, कौमों की इज्जत आपके दम कदम से है। तार रेशम का नहीं, तार रेशम का नहीं है, है ये रगे अबर बहार, वो छड़ी हाथ में ले निकल खड़ा हुआ। इसके बाद वक्फा, इसमें सकता से थोड़ा सा ज्यादा ठहराव होता है, ज्यादा ठहराव की जरूरत हो तो वक्फा इस्तेमाल करते हैं। ये जुमलों के लंबे लंबे अज्जा को अलग अलग करने के लिए, जुमले के किसी खास हिस्से पर ज्यादा ताकीद के लिए, दो मुसन्निफीन की तसनीफात को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जहां परवरना इसलिए लिहाजा अगरचे चह जाए के, इसी तरह के रबत वाले अल्फाज आए तो जहन को थोड़ा सा सुकून देने के लिए इस इलामत का इस्तेमाल करते हैं। अब हम मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, हक ये है कि इस ज़माने में जबकि कौमी तपिश नुमा का पारा हर घड़ी घटता बढ़ता रहता है, जबकि बावजूद तालीमी कामों की कसरत के कौमी तालीम का कोई सही खाका हमारे सामने नहीं आया, यहाँ थोड़ी देर के लिए वक्फा किया, जबकि सियासी तारोपोज सारे मुल्क में फैला हुआ है मगर कोई तरीका कौमी फलाह का ऐसा नहीं है जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो सकें, थोड़ा सा वक्फा किया यहाँ पे सेमी कॉलन
नीच में कहा जाता है। राब्ता, इसका ठहराव वक्फे के ठहराव से ज्यादा है। सकता में कम ठहराव है, उससे ज्यादा वक्फे में है, और वक्फे से ज्यादा जो है ठहराव में है, राब्ते में है। नंबर एक, जब किसी सबका ख्याल की तशरीह या तोजीह पेश करनी हो, जब किसी मुख्तसर मकबूले या कहावत वगैरह को बयान करना हो, ऐसे दो जुमलों के बीच में लाते हैं जो कि आपस में मुतकाबिल हों या एक दूसरे की जिद हों। जब दो जुमलों में एक जुमला और दूसरे जुमले की तोजीह करे और कोई हर्फ उनके बीच में ना हो, मिसाल नंबर एक, सफ़र हो या हजर, दिन हो या रात, काम हो या तफरी, हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये राबता अगर नेमत है तो यही है। मिसाल नंबर दो, किसी हकीम का कौल है, आप काज महाज, मकौल शायर, ऐप करने को भी हुनर चाहिए। तफसीलिया, ये इलामत किसी चीज की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि एक उम्दा गजल में दर्ज़ेल खूबियां होनी चाहिए। अब तफसील यहाँ पे बयान की जा रही है, इनकी तफसीलात, उसका नफ्स मजमून अच्छा हो, सादगी और पुरकारी का नमूना हो, जमीन सादा हो, संगलाख ना हो। नंबर दो, वर्दिश के दर्ज़ेल फायदे हैं। अब यहाँ से उसकी तफसीलात शुरू की जा रही है, क्या क्या फायदे हैं। इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है, जिस्म में फुर्ती पैदा होती है, कायदा ने फरमाया। अब यहां से जो है किसी बात को वजह से बयान किया जा रहा है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इन तीनों लफ्जों में कौम की तरक्की पिन्हा है, छुपी हुई है। खत्मा, फुल स्टॉप, ये इलामत किसी एक पूरे जुमले के खात्मे पर, जब खत्म होता पूरा जुमला, उस पर लगाई जाती है, इसलिए इसे खत्मा कहते हैं। ये इलामत इबारत में एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। नंबर एक, मौसम बहार आया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, हर जी खुश है, शादा हैं, फरहा हैं, खुश है। कोरोना वायरस एक खामोश कातिल है, हर एहतियात बेसूद हो जाती है। जब किस्मत में बीमारी लिखी होती है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एहतियात ना करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदा रहा अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इन छोटी छोटी अलामतों की वजह से अपने लख्ते जिगर, अपने बच्चों, अपने वालदेन और अपने अजीज़ों को मत छोड़ो, छोड़ मत दें, उनके करीब जाने से गुरेज मत करें। इंसानी जान से भी पहले इंसानियत का मुकाम है। मौत लिखी है, मरना है। मेरा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे पहले कोरोना के मरीज को ये मर्ज कहाँ से लगा? किसी इंसान से उसे ये मर्ज लगा है। तो खत्म, जहाँ पे बात मुकम्मल हो रही है, थोड़ी देर के लिए खामोश होना होता है। एक मिसाल दी गई है, सवालिया, इंट्रोगेटिव, ये इलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इसके इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवाली जुमले में फर्क पैदा हो जाता है। हर वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, उसके आखिर में ये अलामत लगानी चाहिए। क्या आपके दांत में दर्द है? अकरम की शादी में कितने लोग शरीक थे? क्या आप पर पागलपन के दौरे अभी भी पड़ते हैं? सवाली निशान, कहाँ हैं वो लोग जो कुछ देर पहले यहां थे? सवाली निशान, कितने में खरीदा और कितने में बताया? सवाल निशान, मस्जिद में अजान किसने दी है? सवाल निशान, फुजाइया, निदाइया, एक्सक्लेमेशन, ये इलामत किसी को आवाज देने या पुकारने या किसी जज्बे के इजहार के मौके पर इस्तेमाल होती है। अरे भाई, टमाटर कितने महंगे हो गए हैं? अजी सुनिए, मुन्ने के लिए पेम्पर लेते हुए आइएगा। अफसोस, सद अफसोस, नौजवान नस्ल को इल्म और किताबों से लगाव नहीं।
खबरदार बिजली की तारों को छूने की कोशिश मत करें, दूर से देखकर ही काम चला लें। वाह वाह पाकिस्तान जीत गया, ये सारे फुजाइया और निदाई अल्फाज लगाए जा रहे हैं। अफसोस इजहार इधार अफसोस अफसोस अफगानिस्तान मैच हार गया। हीफ ये भी अफसोस के माने में आता है। बचपन का वो वक्त गुजर गया जिसमें जहन हर तफक्कुर से आजाद था, कोई फिक्र फाका नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। सदर अजी वकार जब इंसान स्पीच करता है तकरीर करता है, सदर अजी वकार आज मेरी सदाएं आपके कानों के पर्दे फाड़ देगी। इसके बाद कोसेन ब्रैकेट कोसेन या खतूत खतूत वाहदानी में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो जुमला मोतरिजा के तौर पर आते हैं और उनका कोई ताल्लुक जुमले के साथ नहीं होता। ये वजाहती अल्फाज होते हैं। हमारा स्कूल, स्कूल का नाम बताया जा रहा है कायद आज़म हाई स्कूल, में तालीमी सहूलियात बहुत अच्छी थी। पता भी लिख देते कि हमारे स्कूल में तालीमी सहूलियात बहुत अच्छी थी, लेकिन स्कूल का नाम दिया गया है ब्रैकेट में। वो बहुत वहमी इंसान है। अब वो कौन है? अकरम का भाई। अवाम ने उसे अपना नुमाइंदा चुन लिया, ब्रैकेट में अगरचे वो नाअहल था, इस काबिल नहीं था। सुहेल अब्बास ब्रैकेट में पाकिस्तानी फील्ड हॉकी का खिलाड़ी, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने के रिकॉर्ड का हामिल है। खत डैश ये इलामत जुमला मोतरिदा के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। कोसेन और खत का एक ही इस्तेमाल है। यह आपकी मर्जी है कि जुमला मोतरिदा को कोसेन से ज़ाहिर करते हैं या खत से। मिसाल के तौर पर जुमला मोतरिदा वो जुमला जिसका ताल्लुक जुमले की असल इबारत से ना हो, वजाहती इबारत होती है। मेरी राय अगरचे मैं क्या और मेरी राय क्या, तो ये है कि आप कराची मत जाएं। तो इसमें ये जो खत अल्फाज इस्तेमाल है, खत डैश जैद, न सिर्फ जैद बल्कि उसका सारा खानदान एक ही बुजुर्ग के मोतकिद हैं, एतकाद रखते हैं। सारा मकान ईंट लकड़ी सामान जलकर खस्तर हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद वावेन इनवर्टेड कॉमास ये इलामत किसी तहरीर का इक्तबास टुकड़ा पेश करते वक्त या किसी का कौल अपने असल अल्फाज के साथ पेश करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। वावेन को इक्तबास के शुरू और आखिर में लगाकर जुमले की इबारत को वाज़ह करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब वावेन में तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। कायद आज़म रहमतुल्लाह का इरशाद है, ईमान इत्तेहाद तंजीम। अपने वक्त की कदर कर लो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। मुख्तसर निशानियां खत्मा सकता इस्तफहामिया सवाली भी कहा जाता है, इस्तफहामी भी निदाइया वावेन। वाह अम्मी ने मज़ेदार खाना बनाया है। इस्तफहामिया सवाल पूछा जाता है इसमें। सकता सकता में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे आलू मटर, तो इसमें कॉमा डाल दिया गया सकता। खत्मा बात मुकम्मल हो चुकी है। जुमले के मुकम्मल होने पर इलामत इलामत खत्मा लगाते हैं, जैसे आज बारिश हो रही है खत्मा। वावेन जैसे कायद आज़म का फरमान, इत्तेहाद ईमान और तंजीम। यहाँ पे रमूज़ औक़ाफ़ एक चार्ट की सूरत में आपके सामने पेश की जा रही है। सकता असल में वक्फ़े खफीफ बहुत ही कम वक्फ़ा है, इसमें मुख्तसर तरीन ठहरा होता है, बहुत कम इसमें ठहरना होता है। और वक्फ़ा जो है ऐसे ही सकते की तरह नीचे इसमें जो है ना ऐसे ही एक नुक्ता होता है, ये निस्फ़ वक्फ़ है, इसमें भी मुख्तसर ठहराव तो होता है लेकिन सकता से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ठहरना होता है। राबता दो निशान ऐसे होते हैं दो पॉइंट से। वक्फ़े लाजिम
इसमें जो है ठहराव थोड़ा सा ज्यादा होता है। तफसीलिया, तफसील बयान करनी हो, खत्मा फुल स्टॉप जहां पे मुकम्मल ठहरना होता है, वक्फे मुतलक, सवालिया इस्तेफामिया कोई पूछनी बात हो, निदाइया आवाज देना, फुजाइया जज्बात का इजहार, वावेन जो उल्टी कौमा होती है वाव से बने होते हैं, कौसेन ऐसे ब्रैकेट जो होती है जो मुतरजा जिसमें लिखा जाता है। इस्तेमाल के अतबार से सकता जुमले में मुख्तलिफ असमा को अलग करना होता है, जैसे लाहौर कराची इस्लामाबाद ये सकता। वक्फा छोटे जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाने के लिए, दूध सेहतमंद गजा है ये सेहत बख्श भी है, दो जुमले थे इसको एक बना दिया और मुख्तसर जो है इसमें ठहरा किया। राबता अहमद अस्सलाम वालेकुम, अब इससे राबता किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे, अब तफसीलिया कौन कौन से, सिंध सरहद बलोचिस्तान यानी के पी के और पंजाब। खत्मा मैंने काम मुकम्मल कर लिया, फिर स्टॉप हो गया। सवालिया आपकी तबीयत कैसी है, कुछ चीज़ मालूम करनी हो दरियाफ़ करनी हो। निदाइया जिनाब आला, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, फुजाइया वाह हम जीत गए, या अफसोस के लिए जज्बात का इजहार है, खुशी का जज्बात हो या गमी के इजहार जज्बात हो, आह वो मर गया। वावेन कायद के बकौल काम काम और सिर्फ काम। कौसेन जुमला मुतरदा शायर मशरक में तो बता दिया गया, अब अलामा इकबाल को जुमला मुतरदा के तौर पर ये इजाफी वजाहत है और इसको ब्रैकेट में कौसेन में दिया गया, ये खुदी का पैगाम दिया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खत या लकीर कौसेन की तरह इस्तेमाल, जैसे कौसेन का इस्तेमाल होता है ब्रैकेटों का सेम वैसे ही है। जुमले में अचानक तब्दीली, मैं आना चाहता था ऐसा ना हो सका कुछ और ही हो गया, ये इलामत हज़फ़ कुछ चीज़ हज़फ़ करनी हो जब जिक्र मुनासिब ना हो तवील इक्तिबास के चंद लफ्ज़ों के बाद, तुम बाज आ जाओ वरना, ये इलामत हज़फ़। अहमद साहब बहुत ही डैश इंसान हैं, यहाँ पे जिक्र जो है करना मुनासिब ना हो। इलामत तर्क कुछ चीज़ छोड़ दी गई है लिखते लिखते भूल गए हैं, तो इस तरह का एक निशान जो है एरो की तरह एक निशान जो है ना लगा कर इसके ऊपर छोटा सा वो लिख लिया जाता है। मैंने उससे की सारी बातें कह दी, अब कौन सी बातें, दिल की, ऐसे छोटा सा निशान लगाया जाता है और दिल छोटा सा लिखा जाता है जो भी चीज़ रह गई है। इलामत हाशिया जब इजाफी तशरी इबारत से नीचे हाशिए में हो, अगर कोई बात ऐसी होती है जो हाशिए में लिखना ज़रूरी है नीचे लिखना ज़रूरी है हाशिया। मौलाना हाली की मुसद्दस अहम इस्लाही नज़र है नज़म है, तो मुसद्दस को जो लिखा है मुसद्दस से मद जज़र इस्लाम, कौन सी मुसद्दस जिसका नाम है मुसद्दस से मद जज़र इस्लाम, नीचे जो है हाशिए में लिखा होता है। ख़त फाजिल इस तरह जो है ना दो अल्फाज को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, जमात या सेक्शन, क्लास बी 7B 8B मैट्रिक बी। इलामत तखल्लुस शायर के अदबी नाम के ऊपर डाली जाने वाली जो इलामत है, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो गालिब तखल्लुस है और ऐसे निशान तखल्लुस का निशान। इलामत शेर शेर तहरीर करने से पहले यह इलामत होती है, जैसे शेर का जो ना जिंदगी है या कोई तूफान है हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इलामत मिसरा ऐसे जो है मिसरे की जो इलामत है अहिंसा, शेर का सिर्फ एक मिसरा तहरीर करने से पहले, ऐसे अगर पूरा शेर ना लिखना हो सिर्फ एक मिसरा हो, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुखफ़फ़ात जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पूरा नहीं बल्कि छोटा सा ऐसे निशान डाल देते हैं तख़फ़ीफ़, असल लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल हो और पढ़ने वाला पूरा फिक्रा समझ जाए, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो है ना ये और रहमतुल्लाह
रे और हे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।